सोशल मीडिया पुलिस के लिए अपराधियों को पकड़ने का एक बड़ा जरिया साबित हो रही है। फेसबुक पर वायरल हुई फोटो के आधार पर दमोह पुलिस ने अवैध हथियार सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दमोह के एक युवक द्वारा एक अवैध पिस्टल के साथ फेसबुक पर फोटो वायरल हुआ था, पुलिस के लिए एक बड़ी इनपुट साबित हुई। पुलिस ने इस फोटो के आधार पर तफ्तीश की और आरोपी फैजल खान को अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया। फैजल ने पूछताछ करने पर उसका एक और साथी राहुल शिवारी भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस की माने तो राहुल ने पिस्टल फैजल को बेचने के लिए दी थी। पुलिस द्वारा दोनों से और भी गहन पूछताछ की जा रही ताकि आगे और भी सुराग मिल सके। अक्सर लोग सोशल मीडिया पर अपनी फोटो और वीडियो वायरल कर भूल जाते हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया पर पुलिस की भी निगाहें हैं। इसी की बानगी देखने को मिली जब एक युवक की वायरल हुई फोटो के आधार पर पुलिस अवैध हथियार सहित युवक को गिरफ्तार कर लिया। ये कि विक्की और फैजल नाम का एक लड़का है गढ़ी मोहल्ला कसाई मंडी का, ये अपनी फेसबुक में ये देसी माउजर लिए फोटो का वायरल किया था। जब हम लोगों को ये फोटो प्राप्त हुई तो हमने इसकी तस्दीक की, पता किया कि ये कहाँ का लड़का है, तो ये विक्की और फैजल का पता लगा। जब इसको पकड़ा तो इसने बताया कि ये देसी माउजर हमें राहुल शिवारी ने दी थी, बेचने के लिए दी थी, तो हमने ये फोटो खिंचवाई थी और हमने वायरल कर दी थी। तो इस तरीके से दोनों लोग पकड़ गए हैं और जो फोटो में माउजर दिख रही है देसी माउजर, तो उसको भी जब्त कर लिया है और दोनों की गिरफ्तारी करके आज न्यायालय पेश कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि बेचने के लिए, तो कुछ और भी हथियार मिलने की संभावना है या कोई गिरोह की संभावना? नहीं, ये तो चूँकि इसने दी थी फोटो खिंचवाने के लिए और बेचने के लिए, ये 1.5-2 साल से इसके पास थी, उसको दोनों को गिरफ्तार करके न्यायालय भेज। मतलब सोशल मीडिया भी अब क्राइम पकड़ने के लिए एक साधन बन गया है, क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छा साधन भी है और दूसरा इसका एक संदेश भी है हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का और हमारी तरफ से नए वर्ष में शुभकामनाओं के साथ, कि इस तरीके की फोटो वायरल ना करें जो समाज में एक तो दूसरों को गलत रूप में प्रेरित करें। जिस तरीके से ये फोटो वायरल की गई है, इससे जो जिन बच्चों को ज्ञान नहीं है वो भी रिवाल्वर पिस्टल अवैध रूप से लेके भी अगर फोटो खिंचवाते हैं तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। आरोपी सर दोनों लोग बनाए गए इसमें? जी हाँ, दोनों लोग, क्योंकि ये अभी इसके बारे में पता की थी कि इसको कहाँ से राहुल शिवारी को प्राप्त हुई थी, तो एक